सफेद शेर और तीन जादुई रास्ते। राजा शेर अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। सिम्बा एक बहुत ही सफेद और अनोखा शेर था। राजा शेर की पत्नी सिम्बा को जन्म देते ही मर गई। सिम्बा बहुत ही छोटा था, जिसके चलते राजा शेर को उसे संभालने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। सिम्बा हमेशा अपनी माँ के गम में ही रहता था और ना ही किसी से बात करता था, ना वो कुछ खाता था। ये देख राजा शेर दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन शेरनी सिम्बा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी। जैसे ही उसे अपना बच्चा पैदा हुआ, वो सिम्बा पर सौतेला बर्ताव करने लगी। वो उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। उसे सिम्बा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सिम्बा ये सब चुपचाप देखता था, पर अपने पिता से कुछ नहीं कहता था। एक दिन राजा शेर हर रोज की तरह शिकार ढूंढने जाता है। इधर सिम्बा शेरनी के साथ गुफा में अपने पिता का इंतजार कर रहा था, पर शेर का कोई पता नहीं था कि अचानक से तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है। ये देख सिम्बा बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए और ऊपर से ये बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे पिताजी की बहुत चिंता हो रही है। आप चलिए ना, हम चलकर देखते हैं। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं अपने बच्चे को छोड़कर तेरे साथ तेरे पिता को ढूंढने चलूं इस बारिश में? जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। ये सुनकर सिम्बा बहुत उदास हो जाता है। उसके पिता को लेकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी। वो एक पल की भी देरी ना करते हुए उस तेज बारिश में अपने पिता को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो वहां जाकर देखता है, वो घबरा जाता है। उसके पिता एक बड़े से पेड़ के नीचे घायल पड़े हुए थे। ये देख सिम्बा के होश ही उड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने पिता को उस पेड़ के नीचे से हटाता है। राजा शेर ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। सिम्बा बहुत ही मुश्किल से अपने पिता को एक लकड़ी की बग्गी में रखकर गुफा में ले आता है। बारिश थम जाती है। सिम्बा भागता हुआ जाकर उल्लू वेद को लेकर आता है। बेटा सिम्बा, महाराज की हालत बहुत ही नाजुक है। अब इन्हें बचाने का बस एक ही मौका है, पर वो खतरे से खाली नहीं है। उल्लू वेद की बात सुनकर सिम्बा कुछ कहे, उससे पहले शेर ने कहती है, हाँ हाँ बताओ उल्लू, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सिम्बा अपनी जान देकर भी अपने पिता की जान बचाएगा। सिम्बा उदास चेहरा लेकर शेरनी की ओर देखता है। देखो बेटा सिम्बा, जंगल के दक्षिण दिशा में एक तालाब है जिसमें तीन जादुई रास्ते हैं। उनमें से एक जादुई रास्ते पर तुम्हें एक सुनहरा पेड़ मिलेगा, जिनकी कुछ पत्तियां लाकर तुम्हें अपने पिताजी के जख्मों पर लगानी होगी। पर हाँ, वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर है बच्चे। सिम्बा, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर वो सोने की पत्तियां ले आओ। पर शेरनी, सिम्बा तो अभी छोटा है, वो कैसे वहाँ जा सकता है? तुम चुप रहो उल्लू, सिम्बा राजा शेर का बेटा है, इतना तो फर्ज बनता है उसका। सिम्बा बिना कुछ कहे तुरंत उस तालाब की ओर निकलता है। बहुत दूर जाने के बाद सिम्बा को वो तालाब नजर आता है जिसमें वो तीन जादुई रास्ते थे। ये देख सिम्बा बहुत ही खुश होता है। वो तुरंत उन रास्तों के करीब जाता है। सिम्बा ये देखकर चौंक जाता है कि तीनों रास्ते एक जैसे ही थे, सिर्फ उनकी रखवाली कर रहे बाघ ही अलग थे। पहले रास्ते पर सुनहरा बाघ खड़ा था, दूसरे पर सफेद और तीसरे पर बूढ़ा बाघ। सिम्बा परेशान हो जाता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। तब वो मन ही मन सोचता है, अरे ये कैसी माया है, ये तीन रास्ते एक जैसे हैं, अब मैं कौन से रास्ते पर जाऊं? यूं सिम्बा सोच रहा था कि पहले दरवाजे पर खड़ा सुनहरा बाघ कहता है, देखो बेटा सिम्बा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत ही ताकतवर बनाऊंगा। बेटा सिम्बा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। बूढ़ा होने के कारण मैं इस ऊंचे रास्ते पर नहीं जा सकता।
कृपा करके तुम कुछ भोजन मेरी पत्नी को दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे तुम किन ढकियानुसी बातों में पड़ गए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ताकत के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दूंगा, जिससे तुम सारे जंगल पर राज कर सकते हो, सारे जानवर तुम्हारे गुलाम होंगे। इन तीनों की बातें सुनकर सिम्बा और भी सोच में पड़ जाता है। अरे बेचारा बूढ़ा बाघ बहुत परेशान है, ना तो इसकी देखभाल करने वाला है और ना ही इसके पास कोई जादुई शक्तियाँ है। मैं पहले जाकर बूढ़ी बाघिन को खाना देकर आता हूँ। ये कहकर सिम्बा बूढ़े बाघ के रास्ते की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो उस रास्ते पर जाता है, वो देखता है कि पास के दो जादुई रास्ते गायब हो गए थे और साथ ही साथ वो दोनों बाघ भी बूढ़ा बाघ एक सुनहरे बाघ में बदल जाता है। ये देख सिम्बा चौंक जाता है। सिम्बा तुम बहुत ही अच्छे जानवर हो, तुम्हारे पिताजी मुसीबत में है फिर भी तुम बूढ़े बाघ की मदद के लिए तैयार हो गए, तुम मेरी परीक्षा में जीत गए हो। ये लो सुनहरी पंक्तियाँ, इन्हें ले जाकर अपने पिता के जख्मों पर लगाना, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी। सिम्बा सुनहरे बाघ का धन्यवाद करता है और वो सोने की पंक्तियाँ लाकर राजा शेर के जख्मों पर लगाता है। राजा शेर एकदम ठीक हो जाता है। शेर ने भी उन पत्तियों को छूकर एकदम से बदल जाती है। वो सिम्बा के साथ अब अच्छे से पेश आने लगी। इस तरह सिम्बा अपने परिवार के साथ अब खुशी खुशी जीवन गुजारने लगा। व्हाइट टाइगर एंड सेबर टूथ टाइगर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था और जंगल का राजा एक सफ़ेद बाघ था। बाघ को अपने आप पर बहुत ही घमंड था। वो जंगल के जानवरों को अपना गुलाम समझता था, ना कि प्रजा। वो वक्त बेवक्त किसी भी जानवर को अपनी गुफा के पास बुलाता और उनसे काम करवाता था। जंगल के सारे जानवर अपने घमंडी राजा से बहुत परेशान हो गए थे। यूं ही एक बार गर्मियों का मौसम आता है, जंगल के सारे नदी तालाब सूख जाते हैं, पानी की बहुत ही कमी हो रही थी। जानवरों को पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, पर बाघ था कि अपनी गुफा में बैठे बैठे ही बाकी जानवरों से पानी मंगवाता था। जंगल के जानवर अपने लिए पानी ढूंढते या राजा के लिए। एक दिन लोमड़ी की बारी थी पानी ढूंढने की। वो बहुत ही तेजी से जंगल में भाग रही थी कि तभी हाथी लोमड़ी को रोकते हुए कहती है, अरे लोमड़ी बहन, क्या हुआ कि इतनी तेजी से भाग रही हो? कोई जंगली सुअर पीछे पड़ गया है क्या? अरे जंगली सुअर पीछे पड़ता तो भी ठीक था, पर ये महाराज के लिए पानी ढूंढना उससे भी मुश्किल काम है। अच्छा, महाराज के लिए पानी ढूंढने जा रही हो तो भागो। सुना है कल महाराज ने सियार को जान से मार दिया क्योंकि सियार ने पानी लाने में देरी कर दी। ये सुनते ही लोमड़ी ना आगे सोचती है और ना पीछे, वो दुम दबाकर वहाँ से पानी की तलाश में भागने लगती है। इस तरह बाघ जंगल में अपनी मनमानी करता था। बेचारे जानवर करे तो क्या करे, वो सब मजबूर थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन सेबर दांत बाघ पास के जंगल से इस जंगल में आता है। जंगल में उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता, सारा जंगल खाली पड़ा हुआ था। जंगल के सारे जानवर अपने राजा बाघ की दहशत में अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। सेबर दांत बाघ की नज़र लोमड़ी पर पड़ती है। वो लोमड़ी को रोकता है और पूछता है, अरे लोमड़ी, इस जंगल को क्या हो गया, क्यों कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है? लोमड़ी सेबर दांत बाघ को सारी बात बताती है। पता नहीं महाराज आज किसे बुलाने वाले है, इसी डर से हम सब अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। सेबर दांत बाघ जंगल में आगे बढ़ता है कि उसकी नज़र सफ़ेद बाघ पर पड़ती है। कौन हो तुम, मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। मैं जो भी हूँ इससे तुम्हें मतलब, पर एक राजा होकर तुम अपनी प्रजा पर ऐसा बर्ताव कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे वाह, बंद कर अपनी नसीहत, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो करूँ, अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो मेरा कहा मानना होगा। मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ,
जो तुम्हारा कहा मानूं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझे? सफेद बाघ को सेबर दांत बाघ पर बहुत ही गुस्सा आता है। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सेबर दांत बाघ बहुत ही ताकतवर था। सफेद बाघ उसके सामने रुक नहीं पाता और वो दुम दबाकर भाग जाता है। उन दोनों की लड़ाई वही पास की झाड़ियों में छुपे हुए खरगोश और हिरन देख लेते हैं। अरे वाह, आखिरकार इस सफेद बाघ को हराने वाला आ ही गया। हाँ, काश ये हमारे जंगल का राजा होता तो कितना अच्छा होता। ये बात धीरे धीरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जंगल के सारे जानवर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर सेबर दांत बाघ के पास जाते हैं। तुम लोग परेशान ना हो, मैं उस सफेद बाघ को सबक सिखाऊंगा। बस तुम लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। सारे जानवर सेबर दांत बाघ की बात मान लेते हैं। देखो बंदर, तुम सफेद बाघ के पास जाकर यह कहना कि मैं इस जंगल के जानवरों के लिए बहुत बड़ा कुआं बना रहा हूँ। बंदर सफेद बाघ के पास जाकर वही कहता है जो सेबर दांत बाघ ने कहा था। अरे इस सेबर दांत बाघ की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे जानवरों को अपनी ओर कर रहा है। मैं अभी जाकर उस कुएं को उन लोगों से छीन लेता हूँ और उस पर अपना कब्जा बना लेता हूँ। ये सोचकर सफेद बाघ कुएं के पास आता है। वहाँ कुछ जानवर खड़े हुए थे। ये देख सफेद बाघ कहता है, हट जाओ वहाँ से, वो कुआं मेरा है। इस जंगल का राजा होने के नाते इस पानी पर मेरा हक है। पर महाराज। अरे ओ हिरन, तेरी ये मजाल कि तू मुझसे ही जुबान चला रही है। हट जा वहाँ से, नहीं तो मैं। हिरन डर के मारे वहाँ से हट जाती है। सफेद बाघ ना आगे सोचता है और ना पीछे, वो सीधे कुएं में छलांग मारता है। वो कुआ एकदम सूखा था। अरे ये क्या हुआ, ये तो सूखा कुआ है, कोई मुझे ऊपर निकालो। महाराज, मैं यही तो आपसे कहने वाली थी कि ये कुआ सूखा है, पर आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब आप आराम कीजिए इस सूखे कुएं में। ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगते हैं कि तभी वहाँ सेबर दांत बाघ आता है और कहता है, अरे राजा वो होता है जो मुसीबत के वक्त अपनी प्रजा के काम आए, ना कि उन्हें अपना गुलाम बनाए। इस तरह जंगल के सारे जानवर सेबर दांत बाघ को अपना राजा बनाते हैं और फिर से जंगल में खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।